सुरेंद्र जी से मिलना है। वो ऑफिस में है ऊपर। भास्कर सुरेंद्र जी के पास लेके जाओ। हाँ आओ आइए। हाँ वो वहां पे हैं। जाइए। हाँ नमस्ते। नमस्ते बैठिए। हाँ राम राय। अच्छा आपने ही कॉल किया था ना। हाँ आपने फोन पे कुछ नहीं बताया था। मैं मंगलापुरम से हूँ। कस्तूरबा सेवा मंदिर एक अनाथालय है। वो बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए है जिनके पास कोई सहारा नहीं है। हम लोग वहाँ के कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ जयप्रकाश से मिलने आए हैं। वो आपके रिश्तेदार हैं। अब समझा मैं। हाँ आप गलत मत समझिएगा पर उसने आपसे पैसे उधार लिए थे क्या? नहीं मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। मुझे उन्हें कुछ बताना है। अच्छी बात है। मुझे सिर्फ उनका एड्रेस ही नहीं मुझे उनके बारे में कुछ डिटेल भी चाहिए। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को फिर भी बताता हूँ। अच्छा सुनिए जेपी भाई घर पे हैं क्या? होंगे तो। भैया को बुलाइए ना एक जरूरी काम है। माँ भैया उठ गए क्या? क्या हुआ? दो लोग आए हैं कह रहे हैं कि कुछ अर्जेंट काम है। प्रकाश प्रकाश जा उसे बुला ला। पता नहीं और कितना सोएगा। जगाएंगे नहीं तो सोता ही रहेगा वो। प्रकाश बेटा उठ जा बेटा। अरे प्रकाश क्या है? दो लोग आपसे मिलने आए हैं। बड़े लोग लगते हैं। पूछ रहे थे कि रियल एस्टेट ब्रोकर मिस्टर जय प्रकाश जी का रेसिडेंस यही है क्या? बेटा मुझे लगता है तुम्हारी तो निकल पड़ी। जय प्रकाश जी का रेसिडेंस? रेसिडेंस का मतलब होता है घर। वो मुझे पता है। वो कौन हो सकते हैं? उन्हें ऊपर बुला लूं क्या? चल हट। अच्छा अगर काम बन गया तो मेरे कमीशन के बारे में भूलना मत। हाँ सुनो आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं क्या? बहुत बुरी बदबू आ रही है मुंह धो के जाओ। जयप्रकाश भैया सुबह सुबह लॉटरी। देख लूंगा तुझे। माँ चाय। आपको क्या चाहिए? वो ब्रिज के पास जो प्लॉट था वो तो बिक गया है ना? हाँ हाँ शायद। क्यों? उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें कुछ मिला नहीं तो वो कहीं नहीं जाने वाले। राय के स्वभाव को तुम अच्छे से जानते हो। वो तो हर बात पे परेशानी खड़ी करता है आपको तो पता ही है। इसमें मुश्किल क्या है? जाकर सिर्फ ये जगह दिखाना है वो जगह दिखाना है और कौन सा बड़ा काम करना है? जितना आसान आप समझ रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। क्या मुसीबत है ये सब? मैं जाके राय को बुला के ये सारी बातें बता दूंगा। तुम जा सकते हो। आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। क्या बकवास है ये। तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। ऐसे अनजान लोगों को बार बार घर पर क्यों बुला लेता है तू बेटा? मैंने उन्हें नहीं बुलाया वो खुद आए थे। तो उन्हें ऐसा मौका देते ही क्यों हो? मेरी प्यारी प्यारी माँ काश ऐसा होता कि पेरिस अबुबकरम आलुकास जॉय एटनम मलबार अहमद गोल्डकेम और रवि पिल्लाई जी आते लेकिन अब क्या करें वो मुझे जानते नहीं है ना। अरे ये बताओ तुमने राय को देखा क्या? हाँ मुझे देख के क्या करेंगे भाई। तुम जाओ यहाँ से। सेचे हाँ वहाँ पे रेट बहुत बढ़ गया है। अगर हम देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। अरे राय जी सही कह रहे हैं। जरा एक मिनट। क्या है बोलो। जरा इधर आओ ना। हाँ हमें उन आदमियों को कुछ देना होगा। कौन से आदमी?
वो जो वहाँ खड़े हैं। कौन है वो? हाँ वो उन्होंने ही हमें बताया था कि ये जगह बिकने वाली है। इस जगह को बेचने के बारे में तुमने उन्हें नहीं बताया था क्या? अब वो उन्होंने ही हमें बताया था ना। अरे भाई तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें दुनिया के बारे में अब तक पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अब भैया तुम ही बताओ कि मैं सबको पैसे कैसे दे पाऊंगा, इस तरह तो मैं कंगाल हो जाऊंगा भाई, कंगाल। क्या हुआ, क्या बात है? ये दोनों धंधा कर रहे हैं और इनके पास दो असिस्टेंट्स हैं, उनको भी कमीशन चाहिए भाई, यही तो समस्या है। एक बात जान लो, तुम्हें और हमीद को जो मिलेगा उसमें से ही तुम्हें देना होगा, दोबारा इस बात को लेके हमारे पास आने की जरूरत नहीं। राय अब मेरे साथ। ठीक है। और सुनो, अगर खुद का गुजारा नहीं हो पा रहा है तो दूसरों के बारे में मत सोचो, पुल के पास आना। अगर वो हमें कुछ देंगे तो जो कुछ भी देंगे उसमें से हम तुम्हें भी दे देंगे, जा सकते हो। चल। और अब हम कितनी देर तक इस राय और जॉय के पीछे भागेंगे? हम ब्रोकर को तो संभाल सकते हैं, लेकिन इनके जैसे लोगों को संभालना मुश्किल होता है। अगर कोई पूछे तो उनसे भी कहना कि हम ब्रोकर हैं, उन्हीं के जैसे ब्रोकर हैं। अच्छा एक बात बता, तुम्हें पता है कि वो एक दिन में कितने सारे रुपए कमाते हैं? कितना? 1.5 करोड़ रुपए। हमें भी उन्हीं की तरह कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हे भगवान, ये भी आ गया। वासु अंकल। देखो प्रकाश, तुमने उस तरह की कोशिश नहीं की जिस तरह मैंने तुम्हें बताया था। वो क्या वासु अंकल? ओ, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, बहुत पहले मैंने तुम्हें बीना के लिए दूल्हा ढूंढने को कहा था ना, और वो है कि अलग अलग कारण देकर मना करती जा रही है। अंकल मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात बन नहीं रही, जब मैं कहता हूँ कि लड़की डॉक्टर है तो बात बिगड़ जाती है, लड़का कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, दूल्हा अगर व्यापारी हो तो भी चलेगा, व्यापारियों के पास बहुत पैसा होता है, और तुम खुद भी तो जमीन का सौदा करते हो, तुम कुछ कम हो? कमीशन देंगे ऐसा कहिए इसे, तब जाकर आपके काम में दिलचस्पी आएगी इसे। ये कोई पराया इंसान है क्या? इसकी माँ मेरी बहन की तरह है, तो अगर मैं इसे पैसे दूंगा भी तो क्या ये लेगा? पैसे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं, इनका प्रोफेशन है ये। अब हम इसके लिए लड़का ढूंढ लेंगे अंकल, वो रियल स्टेट में काम करने वाले लड़के बहुत ही अच्छे हैं, और उन्हीं में से एक लड़का है जो मुझे बहुत जल्दी करोड़पति बनाना चाहता है। बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहता है, कैसे मुमकिन है? यही तो खासियत है इस फील्ड की अंकल, पलक झपकते ही एक आदमी बेचारी बन जाते हैं। सुनो, अभी अभी माथे में पूछ रही थी, ये सब बंद करो और पहले जाकर उनसे मिल लो। ठीक है ठीक है, मैं जाके आंटी से मिलता हूँ, है ना। तो मुझे अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए कमीशन देना चाहती है? तो फिर और क्या कहती मैं उन्हें, अब जब मेरा दूल्हा रियल एस्टेट बिजनेस में लखपति हो गया है और फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ होने वाला है, तुझे देखना है कि क्या होने वाला है। नमस्ते जी। ये क्या हो रहा है? पहले तो तुम्हारा इसके साथ चक्कर छुप छुप के चलता था, अब घर पे ही शुरू हो गए। अब यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि घर होता चलो सुरेंद्र भैया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हॉल के रास्ते से गुजर रहे थे, अगर मैं बड़े भाई के रूप में आ गया तो ठीक नहीं होगा। ओह, तुम ही एक ऐसे आदमी जो अब तक मेरा साथ दे रहे थे, तुमने भी पार्टी बदली। तुम्हें तो पता है ना, इसका मेरे अलावा और भी दो भाई हैं, एक डॉक्टर है और दूसरा इंजीनियर है। पर तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम ही हो जो राइस का व्यापार करते हो। तुम सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि तुम एक रियल एस्टेट ब्रदर इन लॉ मिल जाएगा, है ना सुरेंद्र भैया? राइस का व्यापार करने से पहले मैंने यहाँ के एक अच्छे कॉलेज से बीकॉम किया है। और तुम कितने पढ़े हो? 9 पास है। टेंथ फेल हूँ कहने से तो अच्छा ही है ना? क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी। प्रकाश, मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए गाय का बछड़ा ले आओ, पहले इससे ये पूछ लो कि ये काम करने के लिए इसे कितना कमीशन चाहिए। नहीं, मुझसे कमीशन नहीं लेगा, गाय का बछड़ा और उसकी माँ दोनों लेकर आएगा। माँ मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम खाना नहीं खाओगी क्या? खाऊंगी ना। लैंड ब्रोकर, शादी का ब्रोकर और अब बछड़े का भी ब्रोकर। आहा। सुनो, एक जरूरी बात बतानी थी तुम्हें, मेरे पास एक ऑफर है, तुम बाहर आओगी क्या? क्यों नहीं आऊंगी, तुम चलो, मैं बाद में आ जाऊंगी। वैसे पैसे मत मांगना क्योंकि इस महीने पैसे की बहुत कड़की चल रही है। अरे चिंता मत करो, मैं कोई पैसे नहीं मांगने वाला, जल्दी आ जाना। राय की होटल आज बंद है, ऑर्केस्ट्रा का मजा ले रहे हैं। क्या बात है, सब ऑर्केस्ट्रा का मजा ले रहे हैं। जेपी आजकल दिखाई नहीं देते हो। बहुत सारी मुसीबतें हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारा गाना नहीं। गाने का टाइम किधर है, काम में ही फंसा रहता हूँ। भैया आज तो तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। नहीं, आजकल रियाज छूटा हुआ है। अरे कम से कम 2 लाइन गा दो। हे राम, मुझे माइक दो। यदि आप हमें प्रिय प्राणेश्वरी। अच्छा भाई,
सी वाली स्ट्रिंग। हाँ कंटिन्यू। अरे नहीं चांस ही नहीं है, बीना आ गई, उसे जरूरी काम है। तुम्हें सिर्फ एक ही गाना आता है क्या? जब देखो यही गाना गाते रहते हो। हाँ क्योंकि दूसरा गाना सीखने से कोई फायदा नहीं होता। एक इंसान को एक ही गाना अच्छे से सीखना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर्स को संगीत की समझ कहाँ होती है? ऐसा कोई भी डॉक्टर है क्या जो अच्छे से कोई गाना गा सकता है? है ना डॉक्टर केजे जेसुदास। मैं एमबीबीएस वाले डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। वो एमबीबीएस नहीं है क्या? नहीं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मजाक बंद करो, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? वो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि वो कॉफी की जमीन जो डॉक्टर शीला कौशिक की है वहाँ पर विराज पेटे में। हाँ, वो उस जगह की डील हुई या नहीं? तुम कस्टमर ढूंढ रहे थे ना? हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं पर लोगों को थोड़ा विश्वास कम है। जो तुम्हें जानते हैं उन्हें पता है कि तुम फ्रॉड हो, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस जगह को बेचने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। मैडम को एक पेपर पर साइन करनी होगी तभी अगली पार्टी हम पर विश्वास करेगी, और ऐसा हुआ तो दूसरे ब्रोकर्स बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये तो बहुत सीरियस मैटर है, इसके लिए मैनेजर या एडवोकेट से बात करनी होगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, हस्बैंड की अचानक मौत हो गई, बच्चा भी नहीं है, इसलिए वो ये जगह को छोड़कर बैंगलोर में सेटल होना चाहते हैं। तुम्हें जगह की बिक्री के बारे में पता ही है, अगर ओनर उसे आज बेचना चाहता है तो ब्रोकर उसे एक दिन पहले ही बेच देते हैं। हाँ ओके, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? वो जो तुम दहेज लाओगी ना उसमें काफी कंसेशन दे दूंगा मैं। फिर मजाक करने लगे। अरे हेलो, ये केटीसी फिल्म्स है ना? ये अब केटीसी फिल्म्स नहीं है, अब ये रियल एस्टेट बिजनेस है। स्टेट? हाँ। कैसा स्टेट? स्टेट मतलब जमीन को बेचना और खरीदना। जेपी एंड सीएच रियल एस्टेट ग्रुप केटीसी फिल्म्स बंद करके चले गए हैं और चंदू कुट्टी जो मालिक थे वो गायब हो गए हैं। अब मेरा दिमाग मत खराब कर। ये लो सर चाय गरम गरम। हाँ तीन दे दे। और पाव? वो भी तू मुझे तीन दे दे। मैंने आपको वो जमीन देखने के लिए कहा था, आप वहाँ गए क्या? वो जमीन खाली है। अगर उसे कोई खरीदेगा तो वो बेवकूफ होगा। मामूका ने मुझे बताया था। आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा था? वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग और जमीन है, जब मैंने पता किया ना तो वहाँ रेलवे स्टेशन था। चाय वहीं पे रख दो। पाव भी दूं? उसका फोन नहीं आया अभी तक। वही है। हाँ बोलो। जेपी, मैंने शीला मैडम से बात की थी। तो क्या कहा उन्होंने? एस्टेट का सेल ऑथराइजेशन लेटर देने के लिए वो रेडी हो गई हैं। तुम जाकर ले लेना। इसका मतलब मुझे मरकारा जाकर लेना पड़ेगा? ए नहीं तो वो तुम्हारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भिजवा देंगे, तुम वहीं जाने की कोशिश करना। अच्छा है, कूलिंग ग्लास निकालना। चोरी सोच लेंगे, मत पहनी से, इसके कारण फिल्म स्टार ममूटी का नाम खराब हुआ है। हाँ। अरे सुनो ये अपने पास रखना। मैं जयप्रकाश हूँ डॉक्टर। ओह मुझे पता था तुम आओगे, बीना नहीं आई? अब उसकी हॉस्पिटल में ड्यूटी है, एक्चुअली उसे छुट्टी नहीं मिली। I know, she is really committed to her profession. Nambiar, यहाँ ना इन्हें अपने साथ ले जाओ। ये लोग यहाँ कैलिकट से आए हैं, वो पेपर्स इन्हें दे देना। नंबियार के साथ जी, अच्छा। हेलो मैम। तुम्हारा जय प्रकाश आया है। Congrats, अच्छा आदमी है। Thanks मैम। अच्छा बीना, आई कॉल यू लेटर। ओके, मिल गए पेपर्स? जी। अब जल्दी से कोई बायर ढूंढ के ले आओ। ठीक है मैडम। हाँ। देखो भाई, इस बात का ध्यान रखना, ये काम जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो भी इंक्वायरी के लिए आए उन्हें बोलिए कि जमीन बिक गई है। अरे हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, अगर कोई बेहतर ऑफर दे दे तो। नहीं नहीं, हम खुद ही कोई अच्छा सा बायर ले आएंगे,
अब हम चले मैम। ठीक है, अगली बार बीना को अपने साथ लेकर आना, ठीक है? जरूर मैडम। नमस्ते। मरकार आ गया था एकदम स्टाइल से। मुझे तुम्हारे स्टाइल के बारे में नहीं सुनना, बताओ कि वहाँ क्या हुआ। मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया है, 500 एकड़ कॉफी की जमीन बेचने का हक, 1 एकड़ का 20 लाख रुपए है। पूरा कितना हुआ? ये सब कैलकुलेशन तुम ही कर लो, बताओ कितना हुआ। 5×2 होता है 10,000 करोड़। उसका कमीशन कितना होगा? फिर से मुझे क्यों पूछ रहे हो? 2.5 करोड़। तो मैं कौन हुआ? कौन? अगर पुराने लोगों की तरह कहूँ तो धनवान, मैं करोड़पति हूँ। उसके बाद आगे भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बाद कर सकते हैं ना, पर जो काम हाथ में है उसे पूरा करो। तुम खरीदते वक्त तो बहुत होशियारी करते हो, वही होशियारी लौटाते वक्त भी दिखाया करो। अच्छा एक मिनट। हाँ क्या हुआ? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आप कौन, क्या चाहिए आपको? ये ऑफिस के बारे में। आपका मतलब ये कोई फिल्म का ऑफिस है? तो वो तो नीचे रियल एस्टेट। अच्छा हाँ हाँ, अंदर आइए आइए बैठिए। अच्छा बताइए बात क्या है? बात आपके काम से ही जुड़ी हुई है। हाँ। मैं अपना रास्ता नहीं भूला। मुझे लगा ही था। मेरा नाम अच्युता मेनन है। ओ, मुझे एक प्रॉपर्टी बेचनी है जिसके लिए मुझे कंसल्टेशन चाहिए। अच्छा अच्छा ये बात है, कंसल्ट करने आए। अच्छा ये बताइए कि आपको जो प्रॉपर्टी बेचनी है वो टाउन में ही है, नड़क कबिल। ओ नड़क कबिल मतलब? वो बिलाती जाने वाली रोड है ना, उसके राइट साइड में ही 5 फीट आ गई है। 65 सेंट्स की जमीन है और उसके ऊपर एक पुराना घर। सी एच ए, ये अच्युत मेनन सर है। कौन है? हाँ अच्युत मेनन सर। ओ सर की एक प्रॉपर्टी है नड़क कबिल में, वो दरअसल वेंडीपेटा में ही है। वो 65 सेंट्स की जमीन है पर घर बहुत पुराना है। मुझे वो जल्द से जल्द बेचना है। घर का दाम कम होगा क्योंकि घर पुराना है। घर का दाम जो भी मिले वो काफी है। वो आपका ही घर है, आपके ही परिवार की जायदाद है। ऐसा नहीं है, वो जगह मेरी बीवी के नाम पर है और अब वो जिंदा नहीं है। वो अच्छा। आपकी कोई औलाद नहीं है? प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया क्या? मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं और वो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। ये बेचने के बाद उन्हें बस पैसे चाहिए। उसके पेपर्स? क्या मैं उसे बेचने का हक रखता हूँ? क्या मैं उसका पति हूँ? क्या वो सच में मर चुके, यही सब ना? वो सारे सर्टिफिकेट्स और जिसके नाम पर नया सर्टिफिकेट बना है वो सारी चीजें जरूरी है। मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स रेडी हैं, ओरिजिनल का फोटोस्टैट और उसकी भी कॉपी है, यही सब चाहिए ना? हाँ ये काफी है। आप जाते टाइम अपना मोबाइल नंबर देकर जाइए, हम आपको कॉल करेंगे। मुझे मोबाइल रखने की आदत नहीं। अब तो कोई लैंडलाइन नंबर होगा क्या? मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। अच्छा अब मेरा घर और जमीन आपके सर्विलेंस में रहेगा और मैं अपने घर में रहूँगा। हाँ जी ठीक है ठीक है, चलता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे ऑफिस में कोई आदमी आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी लगता है। यही वक्त है जब हमें कुछ बड़ा काम करना है। मैं राय से बात करता हूँ। रुक, ये सौदा हमने राय को संभालने देना होगा और उससे किसी भी तरह का कोई भी कमीशन नहीं देंगे हम। हाँ मरकारा में जमीन और टाउन में 65 सेंट की जमीन, लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है हम पर। तो फिर राय को कॉल मत कर। तो फिर हम उससे मिलते हैं। ओके बताओ ना वो कहाँ पर है? वो वहाँ बैठे हैं। राय ये पहला केस है जो हमारे ऑफिस में आया है। तुम्हारा ऑफिस? अरे भाई तुम्हारे पास ऑफिस कहाँ है? पलायत में। पलायत मार्केट के अंदर है क्या? अरे वो कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के अंदर एक सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन रूम है जहाँ पे हिंदी फिल्म दिखाते हैं, उसी जगह इनका ऑफिस है। ओ वो गोडाउन में है क्या? गोडाउन? वहाँ की जमीन का दाम ज्यादा आपको? अरे भाई जो भी वो कॉर्पोरेशन की जमीन में है ना। वैसे राय, अरे बैठो बैठो भाई, ये वेंडीपेटा केस हम संभाल लें क्या? हमें भी थोड़ा काम करने दो ना, है ना? क्या करना है जय? मैंने बेंगलुरु में सिरियक सर से बात की है, उन्होंने वो जमीन गूगल अर्थ पे देख के ओके कर दिया है। तो जाओ जाके दाम तय करो। ये एक ही सिटिंग में खत्म कर देंगे। जय
ये सीटिंग के बारे में बात कर रहा है। हमीद, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मुझे दिल से आशीर्वाद दो। बैठो यहाँ पे। सुनो, तुम्हें भेजने के लिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो। और आप मेरे गुरु हैं। अपनी बाइक लो और निकल लो। चलो 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 जाओ। डॉक्यूमेंट्स मैंने वकील को दिखाए, सब सही है। हमें उसे एक नाम देना होगा। मेरा नाम अच्युत मेनन है ना, मैंने ये नाम तो तुम्हें बताया था। और क्या नाम चाहिए? तुम्हारे पास नाम नहीं है क्या? वो नाम देना ब्रोकर्स के लिए एक प्रथा है, हम उसे दाम तय करना कहते हैं। तो एक काम करो, पहले जरा घर तो देख लो। ठीक है। हाँ ओके। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम खराब होने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि इसकी डीलिंग में हम लोगों को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। घर, माता पिता, जो नए पुराने बर्तन, फर्नीचर, बच्चे, सब छोड़ के विदेश चले जाते हैं। एक सेंट के लिए वो कम से कम 10 लाख मांग सकता है। हाँ, वो एक रिटायर्ड आदमी है, जरा संभाल के बात करनी पड़ेगी। जब मैंने बेचने का फैसला किया था तो 2 लोग आए थे मेरे पास। हाँ, मैंने 1 सेंट का 6 लाख तय किया। हाँ, था उससे कम में बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं। आज ही वो मार्केट भी थोड़ा मंदा चल रहा है ना, दुबई से लोगों का आना भी बंद हो गया। हाँ, वो कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए अब कॉरपोरेशन ने बहुत सारे कानून बनाया है, कितना कार पार्किंग का एरिया होना चाहिए, कितने फ्लोर होने चाहिए, खुदाई की गहराई, बाप रे बाप, इतने सारे नियम है कि कोई भी अब घर बनाने से बहुत घबराता है। चोरी भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। बस बहुत हुआ, मुझे ब्रोकर्स की बनी बनाई बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। ये सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। करेक्ट। मैं तुम्हें एक रेट बताता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आगे काम कर सकते हो। सर आप बता सकते हो। मुझे 1 सेंट के 8 लाख रुपए चाहिए। बापरे, 8 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना रेट मुझे बताओ। और अगर तुम्हें किसी से कुछ पूछना है तो तुम जा सकते हो। एक मिनट। हाँ राय, हम यहाँ साइट पर ही हैं, हमारा फाइनल कितना होना चाहिए? जय, लाइन पर प्रकाश है, हमें कितना बोलना चाहिए? उससे बोलो 9.5 लाख, सिरिये की 11 देने के लिए तैयार है। देखो भाई, 9.5 हो सकता है। हम और कम कर सकते हैं क्या? वो तुम पे है। मुझे पता है आप रेट चेंज नहीं करेंगे, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये फाइनल है ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके। नहीं भाई, नहीं, कोझीकोड़े बाजार में कोई भी जगह उपलब्ध नहीं है। कोयलांडी, पायली या कहीं और जगह ढूंढना पड़ेगी। हाँ, रकम बड़ी लग रही है, अगर तुम उसे फिर से बेचोगे तो दाम बढ़ जाएंगे, है ना? हाँ, मैं उनके सामने ही खड़ा हूँ अभी। हाँ, मैं उन्हें बता दूंगा, तुम आगे बढ़ो वरना दूसरी पार्टी आ जाएगी। देखिए सर, मैं आपको दाम बता दूंगा, लेकिन हमें सौदा फाइनल करने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर हम बता देंगे। तुम दाम बताओ ना। 7 लाख 1 सेंट का। सिर्फ 7 लाख? 7.5 लाख अच्छा सौदा है, हाथ बढ़ाइए। रजिस्ट्रेशन 1 महीने में होना चाहिए। कबूल है। मेरे MBBS बैच का गेट टुगेदर है, मैं उसके लिए छुट्टी ले रही हूँ, तुम्हें भी आना होगा। अरे मुझे क्यों आने को कह रही, मैं क्या करूँगा वहाँ? डॉक्टरों के बीच में मैं कहाँ शोभा दूंगा वहाँ पर? ऐसा लगेगा कि हंसों के झुंड के बीच में कोई कौवा उड़कर आ गया है। मेरे बैच में जिसकी भी शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, सब अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं, तो मैं वहाँ अकेली कैसे जाऊँ? ये तुम्हारी गलती है। वो कैसे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि 10वीं क्लास पास ही मत करना, लेकिन तुम पास कर गई। इंटर कॉलेज में मत जाना, लेकिन तुम गई। फिर मैंने कहा MBBS मत करना, लेकिन तुमने किया। अब भुगतो तुम। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन में उनसे कहूँगी कि तुम एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डीलर हो। हाँ, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें माननी पड़ेगी, मंजूर है? क्या? मेरा वहाँ किसी से भी परिचय मत करवाना। दूसरी, मैं 2 पैग पी के आऊंगा। सिर्फ 2 पैग? अरे तुम अगर पैसे देती हो तो फिर तय करो कि कितना पियूंगा। हाँ, बहुत समय से मुझे एक डॉक्टर को सताना था, बड़ा मजा आने वाला है वहाँ। देखो JP, हाँ,
लो ये रहा सर, लीजिए पूरे 5 लाख टोकन के रूप में। मैंने तो मांगे ही नहीं थे। हाँ, इसका मतलब ये है कि सौदा बिल्कुल पक्का है। तुम्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं संभाल सकता। कोई इसे पाने के लिए मेरी जान ले सकता है, ये तुम अपने पास ही रखो। देखिए ये रकम आप डिपॉजिट करवा सकते हैं बैंक में। लेकिन मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। आजकल तो हर आदमी के पास बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और पैन नंबर होता है, ऊपर से इनकम टैक्स रेट भी। वो आपको एक बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए, एक बड़ी रकम आने वाली है ना। देखो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो ये फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में मेरी मदद कर सके। उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप, बस एक कॉल की जरूरत है और बैंक वाले खुद ही आ जाएंगे। आई डी आई अरे तुम लोग ठीक से बैठकर खा नहीं सकते क्या? दोनों कैसे गंदे तरीके से बैठे हो। वे। दुल्हन डॉक्टर है ना? क्या? कुछ नहीं, एक पुरानी फिल्म का नाम बता रही थी। तो जब वो अभी बोलना था क्या? अब उसका सीक्वल आने वाला है ना, उसका नाम पता है क्या? दूल्हे ने SSLC पास कर लिया। पागल कहीं की। भैया वैसे आपको क्या लगता है, उसके घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे? जब तक उसका बाप जिंदा है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको उनके मरने का इंतजार करना होगा? अगर वो खुद नहीं मरा तो हम किसी से मरवाते हैं। कौन? हाँ प्रदीप। आपने मारने की बात की और पुलिस पहले आ गई। अरे यूनिफॉर्म में क्यों आया हो? आओ बैठो ना, चाय पियो। माँ ऑन ड्यूटी हूँ, तुम खा के बाहर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी। क्या हुआ? डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, नदा काबू प्रॉपर्टी की बिक्री का छोटा सा इशू है। मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, कमिश्नर और ACP स्पॉट पर हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन पर बुलाया है। क्या हुआ प्रदीप? कोई समस्या नहीं है टीचर जी, सिर्फ स्टेटमेंट लेना है। मैंने सर के साथ जो डील हुई थी वो कैंसिल हो गई क्या? मैं एक मिनट में आता हूँ। सुनो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना प्रदीप भैया? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजय सर क्या समस्या है? सर ये घर भिखारी का है, इसकी कुछ समस्या है। किसने बेचा है इस घर को? सर ये घर विदेश मंत्री शंकर मेनन के पूर्वजों का घर है सर। वो मुझे पता है, ये हाँ। कमिश्नर और कलेक्टर भी उसके लिए ही आए हैं ना। हाँ। ये सौदा किया किसने? सर ये सौदा उनके पिताजी ने किया था सर। यस ऑफ कोर्स, बायोलॉजिकली ही इज माय फादर। मुझसे अच्छा कौन जानेगा उस अच्युता मेनन को। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था वो घर छोड़ के चले गए, क्यों गए पता नहीं। जब मेरी माँ की बॉडी को दफना रहे थे तब शमशान में उन्हें देखा था, लोगों के बीच में। मेरी बहन और मुझे अच्छे से पता था कि मेरे माँ और बाप लीगली अलग हुए थे बहुत सालों पहले, लेकिन मेरी माँ ने हमें नहीं बताया था। एनीवे मेरी बहन के US जाने से पहले और मेरे दिल्ली जाने से पहले वो एक बार आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। उन्होंने मुझसे रहने के लिए छत मांगी थी और मैंने उन्हें वो छत मुहैया करवाई। बाद में मुझे पता चला कि वो अब उस घर को बेचना चाहते हैं। बट ही कांट डू दिस क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं। हमें पता चला है कि एक बायर ने आके एडवांस में टोकन दिया है 5 लाख। यस, उन्होंने उसे एक यहाँ के नए बैंक में IDII हाँ वही उसी में डिपॉजिट करवाया है। वो आपको बायर्स को वापस करना होगा और 25,000 मैं दे दूंगा।
सर, आपसे मिलने के लिए ब्रोकर्स आए हुए हैं। अंदर भेज दो। सर। अब तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। सर, देखो उस एग्रीमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे ऑफिस में जमा करवा दीजिए। समझ गए? हम आ जाएंगे सर। तुम्हें बैंक से पैसे निकाल कर उन्हें वापस लौटा देना होगा। सर, अभी तक उन्हें चेकबुक मिली नहीं है और बिना चेकबुक के बैंक से कैश निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। वो मुझे पता था कि उनके पास बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप चाहें तो हम उसे अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। बेंगलुरु की पार्टी भी रेडी है, जैसे भी हो हम सौदा करवा देंगे। हमने उनसे कहा था कि 7.5 पे लेगा, लेकिन आप वो दाम मत सोचिए। 8.5-8.75। हाँ, हमें वो एक ही सेटिंग में निपटा देना होगा। हाँ, इन्हें लेकर जाओ। हेलो, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, चलो आप भी चलिए, बाहर चलिए। धक्का, चलिए। वन मोर थिंग, मीडिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अब तुम दोनों को सावधान रहना होगा। हमारी किस्मत में यही होना लिखा था क्या? सीएच है? कैसे आराम से बैठा, जरा देखो, मन तो करा दूं एक बस। हाँ, बेचारा। अच्छा, बेचारा बच्चों को धोखा देकर घर बेचना चाहता था, फ्रॉड। बच्चे, उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया है। पता है, उसे अपने पिता पर सिर्फ थोड़ा सा पैसा खर्च करने की जरूरत है, लेकिन नहीं। कोट और सूट पहनने से सच्चाई छुपती नहीं है। मुझे ये सब धोखा देके करने से बचना था, पर मैं समझ गया था कि और कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए कोई भी सजा पाने को तैयार हूँ, बस मारना मत, मैं दर्द सह नहीं पाऊंगा, और उससे तुम्हें भी कोई खास फायदा तो होगा नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? वहां पर बड़ी रेल की पटरियां है ना, वहां जा रहा हूँ। किसी यात्रा पर जा रहे हो या अपनी जान देने जा रहे हो? दोनों के लिए सही है। वो तो मैं जय, देखो कौन आया है। क्या तुम एडवांस के 5 लाख लेकर आए हो? ओह, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये लोग तब क्या बोल रहे थे? एक सेंट का 7.5 ले रही थी और हम 9.5 ले रहे थे। 2 लाख 1 सेंट पे पूरे 65 सेंट की ये जमीन है। 1,30,00,000 का शुद्ध लाभ। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? सुनो, हमारा इतिहास लोगों को पेड़ पर चढ़ाने का है, लेकिन पेड़ पर चढ़ने वाले को हर एक कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए। किसे धंधे में मुनाफा कमाने की इच्छा नहीं होती? अब धंधे में सबको एक जैसा तो नहीं कमाता ना, ऐसा नहीं होता। और रियल स्टेट के धंधे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आप ही ने तो सिखाया ना। हाँ बिल्कुल सिखाया था मैंने, लेकिन हर धंधे के लिए इंडिया में कुछ नियम कानून भी है। देखो राय, हमारे इंडिया का जन्म ही एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के सौदे से हुआ है।
ब्रिटिशर्स ने जब ये प्रॉपर्टी हमें वापस की तो इसके मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत झगड़ा हुआ। दो हिस्सों में देश को बांट दो, दो नाम दे दो उसे, दो पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री कर दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। उसके बाद हमने रियल एस्टेट के सारे पैतरे सीख लिए और वही अब तक दोहरा रहे हैं हम लोग। और क्या? देखो, उन्हें कोई सोशल स्टडीज का पाठ मत पढ़ाओ, हम चलते हैं। अगर कोई काम आया तो आप हमें याद कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपसे मिल रहे। देखिए, भूलिएगा नहीं। चलो, ठीक है ठीक है। माँ चाय। उठ गए साहबजादे। मनी चेन, डिस्ट्रिक्ट जज ने खोए 75 लाख। ओ, डिस्ट्रिक्ट जज भी खोते हैं क्या? ये पैसे रियल एस्टेट में जाना चाहिए। तूने एक औरत को धोखा दिया है कि अगर वो रियल एस्टेट में पैसे डालेगी तो पैसे दुगने हो जाएंगे। वो औरत कौन है? वो औरत है तेरी माँ। ओ माँ, तुम्हें उन पैसों का 3 गुना मिलेगा जो तुमने जरूरत के वक्त मुझे दिया था। अभी जरा मार्केट थोड़ा मंदा चल रहा है। मार्केट से मुझे क्या लेना देना, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। मैंने जो पैसे लगाए थे मुझे वो पैसे वापस चाहिए बस। क्या कहा? इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ जो पैसा दिया वही चाहिए? ठीक है, वो कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ 3 ही लाख रुपए तो है। ओह, तेरे लिए ये रकम छोटी है। अगर तेरी शर्ट की पॉकेट में ढूंढूंगी तो 30 रुपए भी नहीं मिलेंगे मुझे। किसी बड़े बिजनेसमैन की जेब में भी नहीं मिलेंगे, इतने कम पैसे वो लोग अपनी जेब में नहीं रखते। अरे कहाँ जा रही हो ये साड़ी पहन के? कहीं नहीं जा रही। तो फिर इतनी सज धज क्यों? वो आ रहे हैं ना। वो कौन? ओफो, प्रकाश भैया, वो आ रहे हैं, सतीश और उनका परिवार। ओहो, सगाई के लिए आज ही है क्या? वो सगाई के लिए नहीं आ रहे हैं, आज सिर्फ बातचीत करने आ रहे हैं वो लोग। उनसे ठीक तरह से बात करना, तारीख के बारे में बात कर लेना और पूछ लेना कि उन्हें क्या क्या सामान चाहिए और कितने जेवर चाहिए। सारी बातें तुझे ही करनी होगी। और मेरे 3 लाख कब दे रहा है अभी बता मुझे, बहुत बेवकूफ बना लिया मुझे अब बस और नहीं। उस 3 लाख के अलावा यहाँ वहाँ से थोड़े और पैसों का इंतजाम करके हम जल्दी से इसकी शादी करवा देंगे। अच्छा माँ, इसकी शादी की उम्र हो गई क्या? अब तू ऐसी बातें करके मेरा मुंह मत खुलवा, चल जा जाकर नहा ले, वो लोग आते ही होंगे। इस पूरे शहर के सबसे नामचीन रियल एस्टेट ब्रोकर की बहन की शादी है ये, धूमधाम से तो होनी चाहिए। रियल एस्टेट ब्रोकर की माँ और बहन को समझना होगा कि मेरी हालत क्या है। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है माँ। वो ऐसा ही करेगा, मैं जानती थी कि वो गड़बड़ जरूर करेगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये घर और जमीन बेचकर तेरी शादी करवा दूंगी और बाकी पैसे बैंक खाते में डलवा दूंगी, उसे एक पैसा नहीं दूंगी, देख लेना। ये तो बेस्ट आइडिया है, पर माँ आप कहाँ जाएंगी? मैं काशी चली जाऊंगी। ये तो आपका बहुत पुराना और आउटडेटेड डायलॉग है, कोई नया डायलॉग मारो ना माँ। मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक वो निकम्मा आ ही जाएगा। यहाँ पे कोई है क्या? मुझे जयप्रकाश से मिलना। वो तो यहाँ पर नहीं है। वो अभी आएगा क्या? हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, आइए बैठिए ना। पहले मैं मिलने उसके ऑफिस गया था, गणेशन ने मुझे यहाँ का पता बताया। गणेशन ने बहुत बार कॉल किया पर कॉल नहीं लगा। आप कुछ लेंगे? अगर कोई तकलीफ ना हो तो एक कप चाय। खाने के लिए कुछ लाऊं? चाय काफी है, चाय। चाय के साथ 2 इडली लाऊं तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा चलेगा। भैया से क्या काम था, जमीन बेचनी या खरीदनी है क्या? हाँ,
ऐसा ही कुछ काम था इसलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। पर अब मैं यहाँ आया हूँ कि अगर वो मेरे लायक कोई काम बता दे तो मैं कोई भी काम जो मैं इस उम्र में आराम से कर पाऊँ। मैं इस पे बस इतना कहूँगी कि काम दिलाने के लिए बस सही आदमी है। हे भगवान, क्या हुआ? ये जरूर मेरे भैया का काम है, इतने सारे लोगों को यहाँ भेज दिया। ओके, ये प्लेट ले जाओ। हाँ, चाय लेकर आऊँ? मेरी भूख मिट गई, अब मुझे चाय तो नहीं चाहिए, वो मैं बाद में ले लूंगा। आइए आइए। नमस्ते। आइए बैठिए। आओ भाई, आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है। आपको मैंने कहीं देखा है? नहीं, पहली बार मिले। आप जाने पहचाने लग रहे हो, मैं आपको जानता हूं क्या? मैं बैठो बैठो बेटा, प्रकाश जरा बाहर गया है, आ रहा होगा। लेकिन अब हम चलना चाहेंगे। वो क्या है कि एक आदमी की तबीयत बहुत खराब है, उसे मिलना बहुत जरूरी है हमारा। डेट के बारे में, मैं हमने नवंबर 26 को शनिवार का दिन तय किया है। सब लोग शादी में आ पाएंगे क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है। आप क्या कहती हैं? ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। नवंबर 26 शायद अच्छी तारीख नहीं है, बड़े ज्योतिषियों ने तो कुछ ऐसा ही कहा है। वो दिन अच्छा नहीं होता जब शनिवार और ज्येष्ठा एक साथ आ जाती है। जब शनिवार और ज्येष्ठा एक साथ आ जाती है तो वो दोष होता है, हालांकि वो इतने बड़े ज्योतिषी नहीं है। ठीक है, फिर नवंबर 21 की तारीख को सोमवार है, वो दिन ठीक रहेगा। हाँ, वो तारीख सही है, 21 नवंबर को आप रख सकते हो क्योंकि तब कृष्णाष्टमी है। और वो एक अच्छा दिन भी है, चाहे तो आप अपने ज्योतिषी से भी पूछ सकते हो। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि ये तारीख शुभ है। ओ, तब फिर ठीक है, नवंबर 21 तारीख शुभ दिन है। आपको तो सब पता ही है। अच्छा, आप अपनी बेटी के दहेज में कितना देंगे? क्या है कि लोग पूछेंगे तो आखिर हमें भी जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भाई समाज में हमारा बहुत ज्यादा रुतबा है। किसी को ये पसंद नहीं आएगा अगर आप दहेज में पैसे दे तो, इसलिए सोने का जेवर दे तो अच्छा होगा। कितनी अजीब बात है कि लोगों की सोच अब तक नहीं बदली। कुछ
चार पांच एकड़ होगा ना? होना तो चाहिए। पड़े कर कितने का है? 20 लाख? 15 से 20 लाख तक। मोल तोल करके 18 कर सकते हैं। और कमीशन का क्या? 2.5 से 3 लाख? 3 लाख तक लेने की कोशिश तो करनी होगी। मरने वाले मेरे सर ने सारी जायदाद वो जयप्रकाश के नाम कर दी है। जो पता मेरे पास है उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिले। एड्रेस दिखाना। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी इंडिया में ढूंढेंगे उसे। जयप्रकाश ब्रैकेट में JP, हम उसे ढूंढ लेंगे। प्रकाश लेगा जो उसे चाहिए और हम लेंगे जो हमें चाहिए। मुनीर बाइक स्टार्ट कर।